ये जो छह पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन के मामले दर्ज हुए हैं, हमारा कहना है कि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने के अवसर होते हैं, अगर नहीं होता है तो उससे निपटने के लिए आपके पास कानून होते हैं, आपके पास फोरम्स होते हैं, आप उन फोरम्स पे जा सकते हैं, उन कानूनों की मदद ले सकते हैं। लेकिन सेडिशन का मामला आज वो लोग लगा रहे हैं जो लगातार झूठ की खेती करते रहे, जिन्होंने इस देश में बोफोर्स के खिलाफ झूठा माहौल बनाया था, जिन्होंने लगातार झूठ पर झूठ बुलवाया, अफवाहें फैलाई। आज उन लोगों की खबर कौन लेने वाला है जो कठुआ और हाथरस के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या लिख रहे थे, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती है। रोज आप लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो जो भाव भाव करने वाले लोग हैं ना, उनके खिलाफ भी अगर सेडिशन का मामला लगेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों कि इस मामले को आप अलग अलग करके मत देखिएगा। ये लगातार सुनियोजित कोशिश हो रही है कि प्रेस की अभिव्यक्ति पे कैसे हमले होंगे, असहमति के स्वरों को कैसे दबाया जाएगा। ये एक घटना नहीं है, इसके पहले लगातार सीरीज हम लोग यही कई कई बैठ के कर चुके हैं। आज आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि वहां पत्रकार नहीं आ सकते हैं, अगर उनको आना होगा तो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के आना होगा कि किस अफसर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कोविड के नाम पे, कोरोना के नाम पर पत्रकारों का पार्लियामेंट में घुसना बैन कर दिया है, बहुत कम लोगों को पासे दिए जा रहे हैं। जिनके पास परमानेंट पासे हैं, जिनके पास LND का पासेज है, उनको आप अंदर जाने ही नहीं देंगे। आप जब रैलियां करेंगे, नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, उसमें जब हजारों हजारों की भीड़ जमा करेंगे तो उस समय आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट जो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पर अगर कोई पत्रकार चला जाएगा तो वहां कोरोना का खतरा पैदा हो जाएगा। साहब कैसी बातें करते हो आप, तो आपके मुंह से जबान से सोते जाते आपातकाल 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 की याद आती है, लेकिन आज जो हो रहा है ये तो आपातकाल का बाप है, आपातकाल घोषित नहीं है। आपातकाल में हमको मालूम था कि क्या सेंसर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आज तो हम कहां कुछ बोल रहे हैं, वो सेडिशन का मामला बन सकता है, गिरफ्तारी का मामला बन सकता है, देशद्रोही तो हमको करार दे ही देंगे आप, क्योंकि सर्टिफिकेट आप ही के पास देशभक्ति का है, क्योंकि जब गांधी लड़ रहे थे, सुभाष लड़ रहे थे, तो आपके लोग दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे, माफी मांगते थे। इमरजेंसी में जब जयशंकर गुप्ता जेल में होते थे तो आप माफी मांगते थे, इमरजेंसी में माफी मांगते थे। माफ कीजिएगा, हम माफी मांगने वालों से नहीं है, हम लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे, अगर आपके काले कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे। और अगर आज राजदीप सरदेसाई का मामला है, मृणाल पांडे का मामला है, अमरनाथ या परेश नाथ का मामला है, या हमारे साथियों का मामला है, हम चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम माफी वीर नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। बस एक ही बात कहना है साथियों कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता होगी, अगर हम एक रहेंगे। और इस एकजुटता में सिर्फ पत्रकार नहीं, संजय हेगड़े हैं यहाँ, मैं इनका स्वागत करता हूँ, ऐसे वकीलों का स्वागत करता हूँ। और मैं कहता हूं कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, आपातकाल का ये नाम लें या ना लें, लेकिन आने वाले दिन खतरनाक होंगे। जिस तरह से जरा भी असहमति व्यक्त करने पे, जरा सा सवाल खड़ा करने पे नौकरियां निकाल दी जाती हैं, नौकरियों से बाहर करवा दिया जाता है, किया नहीं जाता, करवा दिया जाता है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं, काले कानूनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो हम चाहेंगे कि वकीलों के साथ भी, बुद्धिजीवियों के साथ भी, युवाओं के साथ भी पत्रकारों की एक एकजुटता बननी चाहिए, ताकि कभी कोई बात हो
तो आज की तारीख में बहुत सारे पत्रकार लड़ नहीं सकते हैं, उस ढंग से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई को संजय हेगड़े जैसे लोग या और भारी हमारे जो वकील लोग हैं जिनको लगता है कि इस देश में जमहूरियत की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहने की जरूरत है, अगर वो सोचते हैं, ऐसे तमाम सोचने वाले लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं अपने उन मित्रों के साथ जो लगातार भक्ति राग गा रहे हैं, जो पत्रकारिता के चरण काल का ढोलक बजा रहे हैं, रघुवीर सहाय ने एक बार कहा था, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। माफ कीजिएगा, आप वहां बैठ करके जो आप दलाली कर रहे हो, जो भाव भाव कर रहे हो, आने वाले दिन आपके लिए भी उतने ही खतरनाक होंगे, क्योंकि आपके नाक से मुंह से भी अगर छींक निकल जाएगी ना, तो जो फासिस्ट है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये याद रखना। क्योंकि 90% मामलों में आप भक्ति करोगे, कहीं किसी बात पे कहीं निकल गया, घर परिवार में अपने दोस्तों के बीच में भी बोल रहे होंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोल दोगे, कहीं से बात पहुंच जाएगी तो आप भी सेडिशन के आरोप में ही जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में प्रेस एसोसिएशन पूरी तरह से साथ है, प्रेस क्लब, IWPC, IJU, DUJ, तमाम जन संगठन जितने भी यूनियंस हैं, उन सब मिलकर के हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ेगी मोदी जी, अमित शाह जी, तो हम तैयार का रास्ता भी देखने वाले हैं। धन्यवाद। अगर कोई पत्रकार किसी पॉलिटिशियन का मित्र है या किसी सरकार के बहुत करीब है, तो ये उसके पर्सनली उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम लोग निंदक होते हैं, हम लोग आपके आलोचक होते हैं, और हमारा काम आपको आईना दिखाना होता है। आपकी तारीफें करने के लिए हम पत्रकारिता करने नहीं आए हैं, उस काम करने के लिए तो और बहुत सारे प्रोफेशंस थे जिसे छोड़ के बहुत सारे लोगों ने ये प्रोफेशन चुना है। मैं CPG का डाटा देख रही थी, इजिप्ट, टर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया, यहाँ सबसे ज़्यादा जर्नलिस्टों को जेल की जाती है, और मुझे लगता है कि अब भारत उस लिस्ट में बहुत जल्दी शामिल हो जाएगा। जिस तरह से UAPA और सेडिशन चार्जेस हमारे पत्रकारों पर लग रहा है, सेडिशन का तो महत्व ही खत्म कर दिया है, मतलब उसको तो वैसे भी निरस्त कर देना चाहिए उस कानून को, पर इतना बड़ा जो सेडिशन का जो चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज है, अगर वो एक छोटे से ट्वीट से या किसी आर्टिकल से अगर इस पर लगाया जा सकता है, तो इस पूरी, मतलब आप पूरी जस्टिस सिस्टम का मौकरी उड़ाते हैं, आप पूरे कानून को मिसयूज़ करते हैं, और सरकार जब कानून का मिसयूज़ करती है तो ये उसे शोभा नहीं देती। लोग अगर मिसयूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रावधान होते हैं, पर अगर खुद सरकार के लोग ही उन कानूनों को, और जो लगाते हैं पुलिस ऑफिसर्स, मुझे लगता है कि IPC उन्हें भी पढ़ाया जाता है, उन्हें भी पूरा CRPC पढ़ाया जाता है कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। आप एक FIR कराने जाइए तो आपको अच्छे से कानून पढ़ा देंगे कि ये नहीं लगेगा, लेकिन जर्नलिस्टों पर आजकल के दौर में तुरंत कोई ना कोई सेक्शन ठोकने में एक मिनट नहीं लगता। तो क्या अगर एक ट्वीट होता है या कोई आर्टिकल लिखते हैं और कोई क्रिटिसिज्म होता है, तो क्या आप उस पर सेडिशन चार्ज लगाएंगे? आप सरकार के पास ही अपने फोरम्स हैं, आप प्रेस एसोसिएशन में जाइए, आप प्रेस काउंसिल में जाइए, आप जर्नलिस्ट की शिकायत करिए, आपके पास हज़ार प्रावधान है, पर इस पर तो कोई भी सड़क का आदमी आएगा और कोई भी कंप्लेन कर देगा और आप सेडिशन जैसा चार्ज लगा देंगे? मतलब ये तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे कानून के नुमाइंदों पर जो ऐसे चार्जेस लगाते हैं। मतलब ये इस एक, एक ये लगातार ही एक हम पैटर्न देख रहे हैं कि आप ये, मैं कल एक फिल्म देख रही थी, ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, उसमें था वी वर द चोजन वन, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर रखा था कि इन लोगों को पहले मौके में ही हम कुछ गलती करें और हम इन्हें टांग दें। मृणाल पांडे, राजदीप, ये सब पद्मश्री अवार्ड विनर्स हैं जिनका सरकारों ने सम्मान किया। मतलब आपको सोचना भी चाहिए कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं ऐसे लोगों को। इंस्टीट्यूट्स ऑफ जर्नलिज्म है लोग, कुछ भी है आप, मतलब अगर हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा का पुल नहीं बांध रहे हैं, तो हम आपके लिए बुरे हैं, ठीक है हम बुरे हैं, लेकिन आप हम पे सेडिशन लगा देंगे? ये तो थोड़ा खुद के सोचने की बात है कि सरकार को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि UP में किसी बच्चे पर किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे, उन दो पत्रकारों पर आप इतने सीरियस UAPA लगा देते हैं, मतलब मजाक बना दिया आपने, तो पूरे लॉक सिस्टम का ही मजाक बना दिया। और किस तरह से कोर्ट्स इनको अलाउ करते हैं कि आप किन सर्कमस्टेंसेस में सेडिशन चार्जेस लगाएं, वो एक मुझे लगता है एक सिस्टम होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ क्या लगा सकते हैं।
मुझे लगता है गवर्नमेंट को अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं कि वो प्रेस काउंसिल में जाए और आप किसी भी पत्रकार की शिकायत करें, इसीलिए वो मिसयूज ऑफ लॉ करते हैं। मैं अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रही थी और मुझे मालूम नहीं है किसका लिखा है। खास तो है हर कोई यहाँ पर, सारे तो असरदार नहीं। दिमाग तो है हर किसी के पास पर, सारे तो समझदार नहीं। बेशक गुस्ताख है कुछ दिल यहाँ पर, सारे तो गुनाहगार नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।